विराट, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी के विस्फोटक अंदाज के बीच वो खिलाड़ी जिसने मिडिल ऑर्डर को संभाला, उसका नाम है केएल राहुल। विकेट के आगे और पीछे कमाल की रणनीति। जो मिडिल ऑर्डर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी, केएल राहुल ने आकर उस कमी को पूरा किया। रोहित शर्मा के डीआरएस के पीछे केएल राहुल का भरपूर साथ। बड़ी इमारत के चक्कर में अक्सर छोटा बिल्डिंग पर ध्यान नहीं जाता, पर केएल राहुल ने हर मौके पर हर परिस्थिति में भारत को मजबूती दी और कठिन परिस्थितियों से निकाला है। बड़ी इमारतों की चमक में अक्सर आसपास की छोटी छोटी बिल्डिंगों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय क्रिकेट टीम में केएल राहुल का कहा जाता है। रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी, विराट कोहली का संयम खेल और मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के सामने भले ही केएल राहुल की बैटिंग की चर्चा ना हो, लेकिन मौजूदा विश्व कप में जब भी टीम को उनके बल्ले से योगदान की जरूरत थी, उन्होंने अपनी इस भूमिका को बेहतरीन निभाया है। फाइनल तक भारत की लगातार 10 जीत में विकेट के पीछे लोकेश राहुल का शानदार योगदान रहा। राहुल ने बल्ले से कई बार टीम इंडिया को बेहतरीन पारी खेलने के साथ ही विकेट के पीछे कुछ कमाल के कैच लपके और डीआरएस से जुड़े फैसलों में वो कप्तान रोहित शर्मा के सच्चे सिपाही साबित हुए। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के समय डीआरएस के उनके सही फैसलों के कारण भारतीय क्रिकेट में इसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है, तो वहीं अब राहुल की काबिलियत से इसे डिसीजन राहुल सिस्टम कहा जाने लगा है। राहुल ने इस दौरान 99 के स्ट्राइक रन रेट के साथ 77 की औसत से 386 रन बनाए और भारतीय टीम के लिए पर्दापण के बाद ही कौशल के मामले में राहुल को कोहली रोहित जैसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन लचर शॉट खेलकर आउट हो जाने के कारण वो अतीत में उस रुतबे को हासिल नहीं कर पाए। राहुल के कैरियर में शानदार बल्लेबाजी के बीच कुछ ऐसे क्षण भी आए जब उन्हें खुद की अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत पर शक होने लगा था। ऐसी स्थिति में विकेटकीपर की भूमिका निभाने से उनके मन का संदेह दूर हुआ और बल्ले से भी उनके प्रदर्शन में काफी सुधार आया। सेमीफाइनल में राहुल ने जिस तरह से डेविन कॉनवे का कैच पकड़ा, उसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी के निश्चित रूप से खुश हुए होंगे। मौजूदा टूर्नामेंट में 10 मैच में उन्होंने 16 यानी 15 कैच और 1 स्टंपिंग शिकार की। वो विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार के मामले में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्विंटन डुकाक से पीछे हैं। ऐसे खिलाड़ी जो कुछ समय पहले तक कीपिंग नहीं करता था, उसके लिए ये बड़ी उपलब्धि है। वैसे केएल राहुल के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस विश्व कप में उनका प्रदर्शन को लेकर क्या आपकी राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जीटी न्यूज के साथ, लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।